हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने हमारा जो गैस स्टव है उसकी रिपेयरिंग की वीडियो बनाई थी, वो भी जो है हमारा ग्लेन का ही था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस गैस स्टव को लेके ना हमें ऑलमोस्ट मोर देन 5 ईयर्स हो गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि भाई वैसे भी इसकी जो फ्लेम थोड़ी ना उसकी कम है, तो हम लोगों को ज़्यादा फ्लेम वाला बर्नर चाहिए था, तो चलो अपग्रेड ही कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ना हम लोग देखने के लिए आए थे हमारे गैस स्टव्स। तो लास्ट टाइम वाला जो मेरा जो स्टव है वो ग्लेन का है, तो मैंने सोचा भी इस बार ना हम लोग ब्रांड चेंज करते हैं। तो हमने ना अलग अलग ब्रांड्स में बहुत सारे गैस स्टव्स देखे, शोरूम में जाके देखे, इंडिविजुअल शॉप्स में भी देखे, लेकिन जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट थी ना वो मुझे किसी दूसरे ब्रांड में समझ में ही नहीं आया। ऑप्शंस तो बहुत थे नो डाउट, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो हम फाइनली जो है ग्लेन के स्टोर पे ही जो है वो वापस आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है गैस स्टव्स हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप लेने जाओ ना तो 2 फीट ऐसे 2.5 फीट का ऐसा सब शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो है ये हमारा लास्ट पुराना वाला जो है सेम मॉडल है वो दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके ना फ्लेम बर्नर्स की थोड़ी कम है, तो हमने सोचा इस बार ना थोड़े हाई फ्लेम वाले बर्नर लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे देख रही हूँ जी। तो फाइनली हमारा गैस स्टव आ गया है यहाँ पे, एंड इसके डिटेल्स वगैरह, मॉडल नंबर कितने लिखा है, ये तो बैक साइड है, ऊपर ही होगा, ऊपर रखोगे तो पसंद लग गया। तो ये हमने ग्लेन का ही फिर से दोबारा सिलेक्ट किया है 4 बर्नर, और यहाँ पर इसका आप देख सकते हो प्राइस वगैरह सब, हम लोगों को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में मिला है, इतना प्राइस का नहीं है ये, ठीक है जी। तो मॉडल नंबर सब यहाँ पर आप मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो चलो फिर से ओपन करते हैं, एक मिनट, आप ही लगा दोगे ना तो जी, थोड़ा देखो। तो इसकी हम कर रहे हैं अभी अनबॉक्सिंग, साइड बाय साइड रख के देंगे, ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है ये भी, लेकिन डिफरेंस है, देखते हैं लगाने के बाद देखेंगे। गैस ऑफ कर लिया आपने पीछे से? ये इसके बर्नर्स वगैरह बैटरी बैटरी सब आई है साथ में, चलो अभी से लगाएं। इसका नॉब कहाँ है दिखाना है, पर इसका तो बाहर की तरफ ही है ना। चलो, मतलब बेसिकली इसके वो जो फ्रेमिंग यहाँ पर दी हुई है सिल्वर वाली, इसको नहीं है, डायरेक्टली है ये। तो इसके नीचे स्टैंड लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट से ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं, काउंटर टॉप के ऊपर, नहीं तो अगर इसे करना है तो कटिंग करके अंदर हॉप ही लगा सकते हैं। सो अब बात ये बॉलर की लगाने की, तो जो हमारे पास पहले बर्नर्स है ना यूजली वैसे ही कुछ है, लेकिन अभी ये ब्रास वाले बर्नर है और इसके अंदर जो फ्लेम है ना वो ज़्यादा अच्छे से आएगी, और ये इंडियन स्टाइल वाले जो है वो बर्नर है। तो यहाँ पर ये सबसे वाला बड़ा वाला बर्नर है, पहले वो खोल रहे हैं, सारे लग जाते हैं ना एक बार पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो अब इसका मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जब हम बर्नर लगाएंगे यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है वाटर लीकेज होकर अंदर की तरफ जाने का, तो इसे जब हमने सिलेक्ट किया तो इसी वजह से सिलेक्ट किया ताकि अंदर अभी कोई पानी नहीं जाए। खाली यहाँ पर एक जगह पे ही है, और ये भी पूरा बर्नर के साथ जो वो कवर हो जाता है, और ये है हमारे नॉब्स। चलो नीचे यहाँ पे लगता है इसका सेल करेगा, तो ये सेल लगा दिया है। वेल जब हमने यहाँ पर वैसे हमने प्लग भी नहीं छोड़ा हुआ है, अगर दूसरा होता तो प्लग लगाना जी। इसके साथ हमें एक बुकलेट भी मिल जाती है जिसके अंदर हमें पूरी जो है इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, थोड़ी बहुत जितनी, वैसे गैस स्टव में इतना देखने वाला होता नहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो ये पूरी इस तरह से इसकी जो है डिटेल लिखी, फटाफट से इंस्टॉलेशन जो है वो हो गई है, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ इसी तरह से। बाकी ये जो गैस ऑन कर दिया जी,
क्या हुआ? हेलो आने दो उसको। एक बार दवाई तो बस। ओके तो ये इसकी हाईएस्ट फ्लेम है ना, इसको स्लो करो एक बार। जो ये थ्री टायर रिंग बोलते हैं उसका क्या है? सो ये स्लो पे है, राइट। तो ये हमारा सबसे बड़ा लार्ज वाला बर्नर है, ये जंबो बर्नर है और दो ये बिग बर्नर है ना। इसके अंदर स्मॉल बर्नर नहीं है हमारे पास कोई भी। ठीक है, फ्लेम करो भाई। सही है, ज़्यादा ये फ्लेम बड़ा बनना था, इसकी लूज आती है, इसकी छोटा है ना, इसकी थोड़ा फास्ट आती इतना ही। ये चिमनी के सेंटर में रहे, उस हिसाब से रखो। पाइप एडजस्टमेंट देख लो, करनी है कुछ तो। तो बस ये हमारी चिमनी है और इसके अंदर अंदर ये आ गया। तो 3 फीट की चिमनी है हमारी, 90 सेंटीमीटर्स, और हमारा ये जो हॉब आया है, हॉब टॉप, ये 77। फाइनली हमने जो पुराना वाला हमारा कुक टॉप है उसको तो पैक करके रख दिया है इस हॉब टॉप, और सेम ग्लेन का ही हमने वापस लिया। अभी ग्लेन का मैंने वापस से क्यों लिया, बहुत सारे जो है हम लोगों ने मतलब ब्रांड्स देखे थे, लेकिन जिस तरह की मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे चाहिए था एक्स्ट्रा लार्ज बड़ा वाला बर्नर, तो वो मुझे ग्लेन में ही मिल रहा था और प्राइस रेंज भी इसकी सही थी, बाकी के तो काफ़ी महंगे थे। हमने बॉश, फेबर, एलिका वगैरह काफ़ी देखा था, तो इस तरह का अरेंजमेंट नहीं मिल रहा था। अभी आप देखो, इसमें ये सेमी जंबो है, ये जंबो बर्नर है और वो दो बड़े पीछे बिग बर्नर्स हैं। तो ये रिक्वायरमेंट थी, तो इस हिसाब से फिर हमने ग्लेन का ही ले लिया। बाकी ये जो बर्नर है, ये ऊपर से पूरा ब्रास है और ये नीचे से है पूरा एलुमिनियम, तो ये सारे इस तरह से ही हैं। और ये वाले जो दो बर्नर्स हैं, ये वाले दो, इसमें 3 रिंग्स हैं। देखिए, तो गैस फ्लेम यहाँ से भी आता है, अंदर से भी आता है यहाँ पर, और इस तरफ से यहाँ से भी आता है, तो 3 जगह से ये 3 टायर रिंग बर्नर साइड, इसे कुछ बोलते हैं बर्नर को, तो ये उस तरह से है। हाँ, वैसे गैस्टर वगैरह बहुत अच्छा है। हम लोग पहले फुल्ली ब्रास वाला देख रहे थे, जिसमें ये नीचे का जो रिंग है ये भी पूरा ब्रास का था, लेकिन उसका जो प्राइस है अराउंड 8 to 9,000 रुपीस एक्स्ट्रा था। तो फिर मुझे लगा कि इतना वर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि मेन तो हमारा जो बर्नर है ऊपर का, इसमें ही पूरा जो है ब्रास का है, तो ये मच बेटर है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप वो वाला भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे फिर ये लुक वाइज भी वो गोल्डन थोड़ा अलग सा लग रहा था, अब ये जो है फिर भी सिल्वर के साथ मैच हो रहा तो अच्छा दिख रहा है। और हाँ, लेकिन उसमें दूसरी चीज़ अच्छी थी, उसके ये जो नॉब्स हैं ना वो काफ़ी हैवी थे, तो ये वाले जो नॉब्स हैं ना ये थोड़े लाइट वेट है उससे। वो वाले ब्रास के बर्नर्स जो नॉब्स थे, कुछ मिक्स ब्रास के साथ कुछ था, तो बस इस चीज़ की मुझे थोड़ी लगी, तो फिर मुझे लगा कि भाई खाली नॉब्स के लिए 8-9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा क्यों देना है। सो ये अच्छा ही चल रहा है तो फिर क्यों, ठीक है। तो चलिए अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पीछे ये दो छोटे बर्नर हैं, वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन से बर्नर का नॉब कौन सा है, यहाँ पर आप दिखा देते हैं। जैसे ये 4 है एंड ये 4 बना हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहती हूँ, जब हम लोगों ने मेरा पुराना वाला जो है ये वाला हॉप टॉप लिया था, तब हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। तो जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए ना, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि भाई इसके ना कटिंग करा के हम हॉब इसे जो है वो लगाते हैं, क्योंकि सिस्टम तो पूरा हमारा, जैसे चिमनी भी हमने 90 सेंटीमीटर ही ले रखी थी, ताकि हमारा हॉब जो उसके अंदर अंदर आ जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में फिर ऐसा है कि भाई इन फ्यूचर अगर मुझे कभी चेंज करना होगा तो फिर कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, बस इतना ही सोच के ना मैंने इसमें जो है इसकी कटिंग नहीं कराई। एंड आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा किया हमने, क्योंकि ये वाला जो हमारा हॉप है, पुराना वाला हॉप टॉप, ये 70 सेंटीमीटर्स का है, एंड ये वाला जो है हमारा ये 77 है, तो ये 7 सेंटीमीटर्स ज़्यादा है। तो या अगर हमें अगर हमने यहाँ पे कटिंग करवाई होती, तो हमें या तो यहाँ पे फिर से कटिंग करवानी पड़ती और फिर उसकी फिटिंग होती, या फिर हमें हॉबी वैसा देखना पड़ता जो उसके साइज़ का होता, तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा हो जाता है। तो इस वजह से ये अच्छा हुआ कि हमने हॉब जो है वो नहीं लगवाया है। बाकी जी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मेरे हिसाब से तो ये इसी तरह से कुक टॉप भी रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्लीन करना भी आसान है एंड एवरीथिंग। और सबसे मेन पार्ट इसके ये है कि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी ये गर्म है ना,
तो मैं नहीं उठाऊंगी। इसके जो नीचे से वो पूरा पैक्ड है, तो कुछ भी पानी उबल जाए, दूध उबल जाए, तो कोई भी चीज़ है वो उसके अंदर नहीं जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी शेप और डिज़ाइन भी इस तरह से दिया हुआ है कि अगर कुछ पानी वगैरह दूध उबल भी जाए तो वो इससे स्प्रेड होकर बाहर की तरफ आ जाता है, अंदर नहीं जाएगा। वैसे भी उसके अंदर जाने की जगह तो है भी नहीं। ये वाले बर्नर में थोड़ी सी जगह बनी हुई है अंदर जाने की, लेकिन वो पूरा सील्ड है, तो वही है, अगर यहाँ पे कुछ स्प्लिट भी होता है तो वो सारा बाहर की तरफ जो है वो निकल जाता है। ठीक है, इसके प्राइस की तो हर जगह पर देखिए, ऑनलाइन हम लोग इसे सर्च करेंगे तो अलग अलग प्राइस जो है वो मेंशन होते हैं। हमने तो लेकिन ऑफलाइन से ये लिया है, इसका ग्लेन का शोरूम था, वहाँ से हम लोग लेके आए थे, तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी जो है वो डील मिल गई। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, अगर मुझे इस प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूँगी। आप लोग कोई लेना चाहते हो तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को इसकी डिटेल्स देखनी है या इसका प्राइस चेक करना है तो वो भी आपको वो लिंक ओपन करने से पूरा मिल जाएगा। तो लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो जी बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।